ये है वो थैनोस जिसने ब्रह्मांड की आधी पॉपुलेशन मिटा डाली, और ये है वो थैनोस जो ज़ॉम्बी बन गया, एंड ये है वो थैनोस जिसका अल्ट्रॉन ने काट दिया, मेरा मतलब उसे बीच से काट दिया। लेकिन इनके अलावा भी मल्टीवर्स में और भी कई सारे थैनोस के वर्जन्स मौजूद हैं जिन्हें आप नहीं जानते, लेकिन आज की वीडियो में उनमें से कुछ को आप जान जाएंगे, क्योंकि मैं हूं ना, मेरा मतलब मैं इस वीडियो में आप लोगों को थैनोस के 10 अल्टरनेट वर्जन्स के बारे में बताऊंगा। बट उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो, ताकि इस तरह की और वीडियोस जब मैं अपलोड करूं तो आपको उसकी पर्सनल नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अब बढ़ते हैं पहले थैनोस की ओर। सबसे पहले है कैप्टन अमेरिका थैनोस। थैनोस कभी भी टीम में मिलकर लड़ने वालों में से नहीं है, वो वन मैन आर्मी बनकर ही लड़ना प्रेफर करता है, ये हम सब देख ही चुके हैं। लेकिन व्हाट इफ इन्फिनिटी थैनोस कॉमिक में थैनोस अवेंजर्स का साथ देता है बिल्डर्स के अगेंस्ट लड़ने में। बिल्डर्स एक ऐसी एंशियंट एलियन रेस है जो यूनिवर्स को इवॉल्व करना चाहते हैं, लेकिन वॉर के थ्रू। पर कैप्टन अमेरिका को पता चल जाता है कि थैनोस अवेंजर्स को यूज करके अपने बेटे को बिल्डर्स से छुड़ाना चाहता है, और थैनोस का ये राज पता चलने पर थैनोस कैप्टन को मार देता है, और अवेंजर्स के पास लौटकर उन्हें झूठ कह देता है कि कैप्टन बिल्डर से लड़ते हुए मारा गया। और इसके बाद थैनोस कैप्टन अमेरिका की शील्ड वील्ड करता है और अवेंजर्स में कैप्टन की जगह ले लेता है, और यही था कैप्टन थैनोस। नंबर दो पर है वो थैनोस जिसने यूनिवर्स से गैलेक्टस का नामो निशान मिटा दिया। हुआ ये था कि इस थैनोस ने इन्फिनिटी स्टोन्स की मदद से गैलेक्टस को फेमस सिंगर एल्विस प्रेस्ली में बदल दिया था, और उसकी सारी मेमोरी भी मिटा दी थी। तो अगर आप एल्विस प्रेस्ली को नहीं जानते हो तो मैं बता दूं कि 1968 में जो ये फेमस सॉन्ग आया था, कौन है जो सपनों में आया, ये एक्चुअली में एल्विस प्रेस्ली के 1963 में आए मार्गरीटा गाने की कॉपी था। हाँ, तो अब आप जानते हैं कि एल्विस प्रेस्ली कौन है। एंड इवन जब एडम वॉरलॉक ने थैनोस को हराने के बाद उसे चॉइस दी कि वो चाहे तो वापस से प्लैनेट ईटर गैलेक्टस बन सकता है, तो गैलेक्टस ने मना कर दिया और अपनी एल्विस प्रेस्ली वाली लाइफ ही जीने लगा। थैनोस इन्फिनिटी स्टोन्स का कभी इस तरह इस्तेमाल करेगा ये शायद ही कभी कोई सोच सकता था। नंबर तीन पर है ज़ॉम्बी थैनोस। नहीं नहीं, ये व्हाट इफ सीरीज वाला नहीं। इसके अलावा एक दूसरे यूनिवर्स में जहाँ सभी हीरो ज़ॉम्बी बन गए थे, वहीं पर एक ज़ॉम्बी थैनोस भी था। अब था इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसकी मौत बीच कॉमिक में ही हो गई थी। हुआ ये कि कुछ हीरोज ने मिलकर गैलेक्टस को खा लिया था और उससे उन्हें कॉस्मिक पावर्स मिल गईं, और फिर वो सब दूसरे प्लैनेट्स पर जाने लगते हैं नए शिकार की तलाश में, और वो टीम अप कर लेते हैं थैनोस के साथ जो कि ज़ॉम्बी है, और सब ठीक चल रहा होता है। बट थैनोस और हल्क के बीच खाने के लिए लड़ाई हो जाती है। अब भाई दोनों का ही पेट बहुत बड़ा है, लड़ाई तो होनी थी, और हल्क बस एक ही वार में थैनोस के चेहरे को फाड़ कर रख देता है, और इस तरह इस ज़ॉम्बी थैनोस की कहानी खत्म होती है। नंबर चार पर है अवेंजर थैनोस। याद है थोड़ी देर पहले हमने एक ऐसे थैनोस की बात की थी जिसने कैप्टन अमेरिका की जगह ले ली थी और अवेंजर्स का लीडर बन गया था। सिर्फ वो एक थैनोस नहीं था जो अवेंजर बन गया था, एक अल्टरनेट यूनिवर्स में थैनोस खुद को अवेंजर्स के साथ लड़ते हुए पाता है, उनका लीडर बनकर उन्हें लीड करता है, और दुश्मनों को हराने के बाद सब उसकी विक्ट्री को सेलिब्रेट करते हैं। बट एक्चुअल में ये एटर्निटी की तीन सिस्टर्स की बनाई हुई एक अल्टरनेट रियलिटी होती है जिसमें वो थैनोस को एज अ हीरो जिंदगी जीने का मौका देती हैं, लेकिन उसकी पावर्स के बदले। और थैनोस को जब ये बात रियलाइज होती है तो वो हीरो ना बनना चुनता है, पर कुछ बोलकर नहीं बल्कि कैप्टन अमेरिका के सिर को अपने दोनों हाथों से क्रश कर। एंड मेरे हिसाब से थैनोस ऐसा ही बढ़िया लगता है एज अ विलन। ए विलन, नंबर पांच पर है पॉइजन थैनोस, या फिर कह सकते हो वेनम थैनोस। एक अल्टरनेट यूनिवर्स में सिम्बियोट को कंज्यूम करने वाले एलियन क्रिएचर्स रहते हैं, वो खुद को पॉइजन्स कहते हैं। वहीं पर एक थैनोस और वेनम के कॉम्बिनेशन वाला थैनोस यानी ये पॉइजन थैनोस रहता है। हम अच्छे से जानते हैं कि थैनोस कितना खतरनाक विलन है, और ऊपर से वेनम जो कि एक बहुत घातक सिम्बियोट है, एंड इन दोनों का कमाल का कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिला वेनम वर्स कॉमिक में। ये मेरे हिसाब से सच में काफी फैसिनेटिंग आइडिया था थैनोस को इस तरह से दिखाने वाला। अब नंबर छह पर है वो थैनोस जो कि एक डॉल की वजह से मारा गया। जी हाँ, सिर्फ यही लल्लू राम नहीं है जो इतनी इजीली मारे गए, इनके अलावा एक और थैनोस है जो बेकार में ही पेले गए थे। हुआ ये था कि डेडपूल किल्स द मार्वल यूनिवर्स में डेडपूल ने डॉल मेकर नाम के विलन को कुछ डॉल्स बनाने को कहे, जिनमें से एक डॉल थैनोस की थी, और उस डॉल की मदद से डेडपूल थैनोस को कंट्रोल कर सकता था और बाकी सभी को भी। एंड हमें दिखता है कि डेडपूल ने उस डॉल के यूज से अपने यूनिवर्स के थैनोस को मार गिराया है। अब एक डॉल थैनोस की मौत का रीजन बने
बनेगी, ये शायद ही थैनोस ने कभी सोचा होगा। नंबर 7 पर है कैंसर वर्स थैनोस। सुनने में ये कैंसर वर्स थैनोस बहुत खतरनाक और मॉन्स्ट्रस सा लग रहा है ना, और देखने में भी ये मॉन्स्ट्रस लगता है, लेकिन ये कैंसर वर्स वर्जन थैनोस कम्प्लीटली माइंडलेस है और बस अपने बेकार के गॉड्स की छत्र छाया में जीता है। हुआ ये था कि रियलिटी 10011 का थैनोस मैनी एंजल वंस के द्वारा पॉइजन कर दिया गया था और बस फिर वो उनके लिए एक पपेट बन गया। इसके शरीर पर जगह जगह आंखें लगी हुई हैं और हाथ पर भी एक मुंह बना हुआ है। देखने में तो ऑब्वियसली काफी कूल और डिफरेंट थैनोस लगता है ये, और इसीलिए मैंने इस लिस्ट में इसे रखा हुआ है। अब नंबर 8 पर है मैड क्लोन्स। एक थैनोस ऐसा भी है जिसने अपने और अपने दुश्मनों के DNA को यूज करके अपने क्लोन्स बनाए थे। उसने डॉक्टर स्ट्रेंज, प्रोफेसर एक्स, गैलेक्टस, ग्लैडिएटर और टोनी स्टार्क के DNA से अपना DNA मिक्स करके अपने कुछ क्लोन्स बनाए थे, जो थे तो काफी पावरफुल, बट अब एक म्यान में इतनी तलवारें तो रह नहीं सकती, इसलिए एक यूनिवर्स में एक थैनोस ही काफी है। थैनोस के हिसाब से ये सुपर क्लोन्स फेलियर थे और उसने उन्हें कैद करने की कोशिश की, बट वो एस्केप कर गए और एक यूनिवर्सल लेवल थ्रेट बन गए। बट एट लास्ट हीरोज और थैनोस ने मिलकर उन क्लोन्स को डिस्ट्रॉय ही कर दिया। नंबर 9 पर है थैनोसाई। 1996 में हुए एक DC और मार्वल क्रॉसओवर के दौरान हमें थैनोस का अल्टीमेट वर्जन देखने को मिला, जो कि थैनोस और डार्क साइड का मिक्सचर था। थैनोस और डार्क साइड की पावर्स को मिलाकर ये कैरेक्टर थैनोसाइड सच में काफी पावरफुल बन गया था, बट भले ही इसके पास एटर्नल स्ट्रेंथ और गॉड लाइक पावर्स थी, पर तब भी ये मार्वल और DC फैंस को कुछ खास पसंद नहीं आया, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन थैनोस और डार्क साइड दोनों ही कैरेक्टर्स को अच्छे से जस्टिफाई नहीं कर पाया था। नंबर 10 पर है किंग थैनोस। रियलिटी TRN 666 में रह रहे थैनोस ने वही किया जिसका सबको डर था। उसने हर एक हीरो को मौत के घाट उतार दिया और यूनिवर्स में मौजूद लगभग हर लिविंग बीइंग को मार डाला, और फिर पूरे यूनिवर्स में सिर्फ किंग थैनोस और उसके कुछ साथी ही बचे थे, जिनमें से एक था कॉस्मिक गोस्ट राइडर, जिसकी कहानी सच में बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप लोग कॉस्मिक गोस्ट राइडर की पूरी कहानी यानी उसकी पूरी कॉमिक जानना चाहते हो, तो मैंने उसकी पूरी कॉमिक की हिंदी एक्सप्लेनेशन की है, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हो। और बात रही इस किंग थैनोस की, ये एट लास्ट अपने ही यंगर वर्जन से लड़ता है और इतनी तबाही ये मचाता है सिर्फ डेथ को पाने के लिए। तो दोस्तों, ये थे 10 अल्टरनेट वर्जन्स ऑफ थैनोस। आप लोगों को इनमें से कौन सा थैनोस सबसे बढ़िया लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर आप लोग थैनोस के और अल्टरनेट वर्जन्स देखना चाहते हो तो भी बता देना, फिर मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो का सेकंड पार्ट बना सकूं। और अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो और बेल आइकन दबा देना, ताकि जब मैं इस तरह की और वीडियोस अपलोड करूं तो आपको उसकी पर्सनल नोटिफिकेशन मिल जाए। और कॉस्मिक गोस्ट राइडर की पूरी कहानी देखना चाहते हो तो उसका लिंक ये रहा, अभी क्लिक करके देखो। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। धन्यवाद। What is love? Baby, don't hurt me.